वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज़ यूएसबी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, एक छोटी सी चीज़ जिसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, आपने हर जगह देखा होगा, वो हमारी एक छोटा सा मोबाइल जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये का एंड्रॉयड सेट है, वहाँ से लेकर 3 से 4 लाख रुपये के लैपटॉप को विद इन 1 से 2 सेकेंड्स में पूरी तरह से डेड कर सकता है, ख़राब कर सकता है। जी हाँ, पूरी तरह से ख़राब सकता है, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो, पूरा ही ख़राब ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आपके साथ कभी भी कोई एक छोटा सा यूएसबी आपके पास लेके आए, आप उसको अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल में लगाएं और आपका 8 से 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार एप्पल आईफोन जो भी है, वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ख़राब हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हम यूएसबी लेके आते हैं, ओटीजी लेके आते हैं और अपने मोबाइल में उसको एज अ ओटीजी केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, बिना किसी देखे, बिना कुछ सोचे समझे। और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, होता क्या है, यूएसबी के लिए एक ऐसा ही डिवाइस है जिसका नाम ही किल रखा गया है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने जैसे ही कनेक्ट किया मैक में, आपका जो 1 से 1.5 लाख रुपये का मैक प्रो था, वो बिल्कुल ख़त्म, विद इन सेकेंड से ख़त्म। यूएसबी किलर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप घर पर भी उन सब चीज़ों को बना सकते हैं। बेसिकली यूएसबी किलर एक नॉर्मल यूएसबी डिवाइस की तरह ही होता है, जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं स्क्वायर बॉक्सेस में, वो उसके अंदर मिलेंगे। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हम डेटा रीड राइट करते हैं, और जो भी हमारा यूएसबी ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, वो 5 वोल्ट पे वर्क करता है। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। यूएसबी किलर, जैसा मैंने पहले बताया, ये 4 जैसे इसमें दिख रहा है स्क्वायर बॉक्सेस, वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, जो कि 5 वोल्ट पे वर्क करता है। 5 वोल्ट जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं, वो स्टोर होकर 200 वोल्ट बन जाता है, और 200 वोल्ट जैसे ही ट्रांसफ़र होता है आपके मदरबोर्ड पे, और बूम, पूरा सब कुछ ख़त्म विद इन सेकेंड्स, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका डिवाइस, लैपटॉप जो भी है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जितना भी एक्सपेंसिव हो, कुछ भी हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल बच के रहिएगा कि कोई भी डिवाइस कहीं से भी पड़ा हुआ, फ्री में मिला हुआ, बिल्कुल मत लें। सेफ्टी मेथड मैं आपको बताता हूँ। सेफ्टी मेथड में आप इंटरनेट से यूएसबी किलर टेस्टर खरीद सकते हैं। टेस्टर ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे तो जो हाई वोल्टेज है उसको बाहर से ही डिस्चार्ज कर देगा। ये जो फिगर देख रहे हैं वो वेरिस्टर का है। वेरिस्टर इज अ वेरिएबल वोल्टेज होता है, जो कि ये हाई वोल्टेज होता है उसको बाहर ही डिस्चार्ज कर देता है। आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आपका डिवाइस है जो सेफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप यूएसबी किलर खरीद सकते हैं, या कोई भी डिवाइस अगर आपको पड़ी हुई मिलती है फ्लैश ड्राइव, तो बिल्कुल ही उसको आप अपने किसी भी पेन ड्राइव को आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, किसी में भी ना यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए यूएसबी किलर के बारे में, ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सकें। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि हम ऐसे नई नई वीडियोस आपके लिए लेते आते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।